शराब में से किस किस ने सेब खाया है? ये कौन सा सवाल है? क्या बात कर रहा हूँ, बचपन से लेकर अभी तक मैं सेब ही सेब खाता आ रहा हूँ। सेब तो हर कोई खाता, छोटे थे जब से, दो तीन साल के थे जब से ही सेब खाते आ रहा सर। सेब तो खाते हैं, सेब तो हमारे यहाँ मिलते ही मिलते हैं। हाँ कभी कभी महंगे हो जाते हैं पर सस्ते हो जाते हैं, हम खाते जरूर, ऐसी बात नहीं है। दुखी में तो कुछ ज्यादा ही खाते हैं, बीमार बीमार हो जाते हैं। ठीक है सर, आपने कहा कि आप लोग सेब अक्सर खाते रहते हैं, तो सेब कैसा होता है थोड़ा बताएंगे आप? अरे सर ये क्या बात कर रहा, सेब तो एक ही तरह का लाली जो होता, और कौन सा सेब होता। ठीक है सर, तो आज हम आपको एक नए सेब से रूबरू करवा रहे हैं जिसे कहा जाता है ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल हरे कलर का सेब होता है। अच्छा, हरे कलर का सेब? हरे कलर का, ये तो नाम ही पहली बार सुन रही हूँ, तो देखा ही नहीं है आज। मेरे हिसाब से तो क्या पका नहीं होएगा? नहीं, मार्केट में बिल्कुल पका हुआ है। जैसा अपना सेब होता है उसी टाइप का सेब है, लेकिन वो हरा होता है। आप उसे खाए उसके बाद अपनी बढ़ती। ठीक है सर, तो दिखाइए। क्या बात है, सेब भी हरा? लाल सुना था ये हरा सेब, ये नया क्या मार्केट में आया है क्या बिकने के लिए? ये भी भारत का तो नहीं है कहीं? ओहो, वाकई में हरा सेब है ये तो, मगर मुझे ऐसा लग रही है कच्चा तो नहीं है कहीं। हाँ यार, वाह यार, वाह, बिल्कुल हरा कच हो रहा है तो। देखो क्या बात है यार भाई, मेरा सेब तो ऐसा लग रहा है जैसे जामफल अम्फल हो यार। नहीं अपना, मेरा सेब तो सेब की तरह लग रहा है, डंडी वंडी, ये डंडी पकड़ के देखो। हाँ ये डंडी से है बस, पहचान इसकी ये घुमाए चारों तरफ। दूर से देखने में तो वो जामफल ही लगा था वो। हाँ ये बात तो है, मैंने दूर से डंडी निकाला भाई सेब बन गया। पास से देखना है तो वो सेब ही लग रही है। वो वाला सेब अपना लाल तो अंदर से काटते तो सफेद निकलता है। हाँ। अब ये देखते हैं कि हरा निकलता है कि सफेद निकलता है अंदर से, वो तो काटने पे मालूम पड़ेगा, काटने पे मालूम पड़ेगा। चलो काटा जाए, आप ही काटो। मैं काट देता हूँ। हाँ जैसा दिल चाहे। बहुत रसीला, काटते से रस बाहर आ गया यार। रसीले से मुझे याद आया, अगर इसका रस बना के पिया जाए तो कितना बढ़िया लगता। ये देखो, वाह वाह भैया, वाह सेब निकला यार, वाह यार, वाकई में सेब है यार, क्या कुदरत के नजारे हैं भैया। जिंदगी में जो चीज नहीं देखी कभी, वो देखने को भी मिल रही है और खाने को भी मिल रही है, बताइए और क्या चाहिए। और जिंदगी में और अब और क्या चाहिए। सेब का आकार देखो अंदर से, बिल्कुल क्या बात है लग रही है। और बीच में जो हमारी सेब में भी बीजे निकलते हैं वही सेम टू सेम वही है। बादशाह भाई जिस हिसाब से काटने पे इसके अंदर रस टपक रहा था, हाँ। तो मेरे हिसाब से कच्चा तो नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि पका हुआ जब भी इसका रस बाहर आया एकदम। हाँ, से क्या सही है। ये लो लाओ, ये एक छोटा और एक बड़ा कटा। कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, कट तो गया नहीं है, कट गया वो तो। बहुत ही रसीले सब सेब हो रहा है तो यार, बाकी में भी बहुत ज्यादा देखो, रस तक उड़ गया इसका यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल धमाल कर दिया इसने तो। काटने का साथ उन्होंने विजय भी काट डाला। लाओ और टुकड़े कर देता हूँ। मैं भाऊ आई नहीं हूँ, मेरे दांत है, मगर फिर भी काट दो। काटने में क्या अड़चे? हाँ भाऊ भाई होते नहीं, बादशाह भाई तो खाई नहीं पाते वो तो। अब यार वो चक्कर क्या है, उनकी उम्र के हिसाब से दांत चल गए हैं, मगर आप जैसे तैसे कोशिश तो करते बेचारे। बादशाह भाई कड़क बहुत है हमारे बाबू। हाँ ये बात तो है, उनको तो फिर रस बना के देना पड़ता है। रस बना के मजे लेते हैं, करना पड़ता है रस बना के मजे पड़ता है भैया, जूस की तरह रस के मजे लेते हो, रस के मजे लेते हो। चलो खा के देखते हैं। क्या बात है, खट मीठा सेब है तो यार, मजेदार, बहुत बढ़िया, तबीयत खुश कर दी यार। हाँ यार खट्टा मीठा लग रही है एकदम यार। वाह वाह बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। जो हमारा सेब होता है वो तो अपनी जगह होता ही होता है, मगर इसका स्वाद उससे अच्छा है। अपने सेब का क्या है कि मीठा रहता खाली, हाँ, खट्टा हाँ, नहीं रहता, इसमें हाँ, दो ही स्वाद देती है। इसमें दो स्वाद आ रहा है, मीठा हाँ, भी आ रहा है और खट्टा भी आ रहा है। तो कुदरती है, वास्तव में दो ही चीज एक साथ बना दी, मतलब हाँ, इसके मीठे पन ने तो क्या दिल जीत लिया, दिल जीत लिया। देखने के साथ साथ खाने में भी, जितना देखने में अच्छा है उतना खाने में भी अच्छा है। बहुत बढ़िया भैया, वाह कुदरत, मजेदार फल है। सलाम, बहुत ही खस्ता सेब है यार, तो आगे में भी यार।
तो भैया हमारे यहाँ तो कोई भी बीमार होता है तो आने जाने वाले तो सेब ही लाते हैं, तो उसको सेब ही पसंद होता है, तो ये उसकी जगह अगर ये वाला सेब लाएं तो उसको दो खटमिट का स्वाद मिलेगा, तो उसको और मजा आएगा खाने में, तो बीमार जल्दी अच्छा होएगा, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जहाँ तक ख्याल है इसको खा के बिना डॉक्टर की गोली दवा से ही अच्छा हो जाएगा इसको खा के, वो मुझे मेरा ऐसा मानना है। इसका स्वाद तो हल्का हल्का क्या नाशपाती मिलती है हमारों उसके जैसा भी आ रहा है, हल्का हल्का आ रहा है उसका भी, एक ही फल में दो फल का स्वाद दे दिया, बाकी वो रहती छोटी हाँ। काफी बड़ा है मतलब एक खा ले तो आदमी मतलब टन टनाटी हाँ। हो जाए मजा आ जाए उसको, तो फिर भूख का काम करेगा, मतलब भूख मिटाने का काम करेगा। ये डॉक्टर तो कहते हैं कि ये फल फ्रूट खाओ हाँ। बहुत फायदेमंद रहते हैं, खून बढ़ाते हैं हाँ। सही है। वो सेब तो खून बढ़ाते ही है हाँ। तो मैं समझता हूँ राजू भाई इसका पेड़ भी अलग ही रहता होगा, इसका पेड़ भी अलग रहता होगा, बहुत हिफाजत में रहता होगा हाँ। ताकि तोड़ के नहीं खा ले कोई, उसकी देखभाली भी अच्छी तरह से करते होंगे लोग, सुरक्षा बहुत संभाल के रखते होंगे, दिन रात मेहनत करते होंगे उसको बड़ा करने में। बादशाह भाई मैं पिछली बार मनाली गया था तो वहां क्या है कि बर्फीला इलाका है, वहां मैंने देखे थे सेब के बड़े बड़े पेड़, और इसको देख के मेरे को उसकी याद आ गई मनाली की सेब के पेड़, आंखों में गुंज रहा हूँ बार बार घूम रहा है इधर उधर यार, कहां की याद कहां से आ गई यार, ऐसी चीज बनाई बनाने वाले ने बताओ, कुदरत की तो बात ही अलग है। राजू भाई मैंने तो आज तक सेब के पेड़ देखे नहीं है, क्योंकि अपन तो गर्म इलाके में रहते हैं हाँ। तो उस हिसाब से आप तो बहुत खुशनसीब हो तो आपने ऐसी बात कर रहा उसके पेड़ देखे, सही बात है, देखा था मैंने तो देखा था वास्तव में, मैंने बता दिया आप हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ ना कि मैंने नहीं देखा आपने देखे, तो आप मेरी बर्फ में पकते होंगे मेरे हिसाब से, तो अब वो जैसे बर्फीले इलाके में अगर इसकी खेती है तो पक्का बर्फ में पकते होंगे, सरू जी क्या कहते हैं अब वो जैसे भी पक, क्योंकि एक बात इसमें अपन ने और गौर करी है खाने में ठंडा ठंडा लग रही है हाँ, ये तो किसी ने बोला ही नहीं है हाँ, ठंडा ठंडा लग रही है खाने हाँ। आज एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई सा भी अपन फल खाते हैं उसमें रहता है पानी, वो पानी की तासीर रहती ठंडी इसलिए ठंडा लग रही है हाँ, ये बात तो है, वो पानी की तासीर ठंडी रहती है हमेशा, और इसमें ऐसे ही स्वाद है वास्तव में, जिसको पानी की कमी हो जाती है उसको भी यही बताता है डॉक्टर क्यों सेब खिलाओ, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो तो पानी की कमी वाले को ये दो तीन सेब खा ले तो वो तो कमी पूरी हो जाएगी हाँ, मतलब ये खाते रहे मतलब एक आध हफ्ते तक खा ले, अपना पानी पीना भी जरूरी है, सही दो काम होंगे, पानी की कमी भी दूर होगी, खून भी बढ़ेगा, पेट भी भरा जाएगा, पेट भी भरा जाएगा, तीन से तीन शिकार हो रहा है, तीन काम हो रहा है अपना, फायदा ही फायदा। बादशाह भाई एक बात कहना चाहूंगा यार मैं, आप दुनिया का कोई सा भी खाना खा लो वो कभी ना कभी आपको नुकसान पहुंचा देगा, मेरे को ऐसा लगता है, पर फल कितने खाओ आप कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमेशा फायदा पहुंचाएंगे, ये बात तो है। फल तो फल ही होता है ना यार, फल की चीज ही ऐसी है वो, ये बात तो फल कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फायदा ही कोई सा भी फल खा लो आप फायदा ही फायदा है बिहार तरफ। मैं इस पे एक बात कहूंगा कि यहाँ आने के बाद मुझे ये फल देखने को भी मिला और खाने को भी मिला, भाव से जितना अच्छा है खाने के बाद उससे ज्यादा अच्छा है वो, दोगुना अच्छा है हाँ, ये चीज तो पहली बार देखी भी और खाई भी, मैंने सोचा भी नहीं था जिंदगी में कि ऐसी कोई चीज अजूबा चीज देखूंगा हाँ। जब मेरे सामने रखी थी तो मैंने कहा ये आठवां अजूबा कहाँ से आया मगर जब मैंने खाई हाँ। तो मैंने देखा कि वाकई में यह कुदरत एक बार फिर सलाम वाह क्या कुदरत है, शुक्रिया जो आपने हमें ऐसी ऐसी चीजें दी खाने को वाह क्या बात। अरे मैं बात कहना चाहूंगा जब मैं काट रहा था इसका रस उड़ रहा था नहीं हाँ। जब इतना अच्छा लग रहा था हाँ। खाने पे कितना बढ़िया लग रहा है, तुम्हारी जबान बाहर निकल रही थी मैंने देख ली थी बादशाह भाई के लिए सुना था क्या सात अजूबे होते हैं, बादशाह भाई को एक अजूबा और मिल गया, बहुत बढ़िया। बादशाह भाई एक बात दिमाग में आ रही है यार मेरे, मैंने चांद की वीडियो देखी, मंगल ग्रह की वीडियो देखी, वहां पे इसको अपन उगा दोगे कि नहीं आई, तो भाई तुम तो ऐसा करो मुझे रॉकेट पे बिठा के भेजो फिर मैं उगा के बताऊंगा कि नहीं
यानी रैकेट में बिठाने पड़ा था। अरे तो भाई इस्तांबुल जाऊंगा तो पैदल तो जाऊंगा नहीं मैं, मंगलगिरे जाएंगे, मंगलगिरे में जाऊंगा तो पैदल तो जाऊंगा नहीं, रैकेट में ही जाऊंगा ना, वहाँ तो कोई ट्रेन में रहे नहीं या बस में तो चलेगी, रैकेट में जाना पड़ेगा। फिर सरू जी इसको काटा अपन ने, हाँ ये समझ में नहीं आ रही है कि देखो थोड़ा थोड़ा लालपन तो हो गया है ने? कुछ ना कुछ होगी ये फल की तासीर, कुछ ना कुछ हाँ। काटने के बाद बदलता हो, रंग बदलता हो। मैंने देखा कोई सा भी फल काटते हैं तो वो काट के रखने के बाद काला पड़ने लगता, मगर ये काला पड़ने की जगह लाल पड़ रही है ये। हाँ तो इसमें कुछ कुछ चीज होगी जो तासीर लग रही है। हाँ, अलग अटके है इसका मामला क्या? पहले अलग अटके है तो हाँ। पहली बार देखा अपना तो फिर अलग ही चीज हुई हो तुमने, बहुत मजेदार चीज लगी वास्तव में, जबरदस्त है यार, चार चांद लगा दिए ना खाने पे तो खुश कर दी मतलब। हाँ ये काले की जब वो लाल पड़िया है तो मेरे हिसाब से 10 बस तो नहीं लगा दे, मालूम पड़ेगा अपन खाए जा रहे हैं ना 10 लगता है सुबह। मेरे हिसाब से तो ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए, नहीं तो काले की जगह लाल पड़ी है इसलिए मैंने बोला। नहीं अपन ने इतना सारा कोई नहीं खा लिया, कमी खाया नहीं अपन, जो भी पड़ रही है वो तो आंखों से ही दिख रही है। हाँ। अब वो तो अब जो भी होगा अपन ने खा तो लिया है, सही। अब जो भी होगा वो तो सुबह ही पता चलेगा ना, अपने सामने होगा जो भी होगा, बस देख लेंगे अब जो भी होगा, जो भी होगा देखना पड़ेगा बस, नजरों के सामने खाने के बाद उसकी सूरत से लग रही है कुछ ऐसा हो ही नहीं। ये वीडियो हो गई खत्म, आप हमारा गाना सुनिए, काली काली आंखें गोरे गोरे गाल जो तुझे देखा है जन्म जब से हुआ है मेरा बुरा हाल, काली काली आंखें गोरे गोरे गाल तुरुरु 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 जब से तुझे देखा है जन्म हुआ है बुरा हाल।